सो है हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में, जिसके सामने पबजी से लेके फ्री फायर तक सब फेल है भाई। सॉरी मैन, सॉरी पबजी के लिए। तो केजीएफ चैप्टर 2 जिसने थिएटर में देखी है, और सब मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो लास्ट में रुके थे ना, उनको एक हिंट मिला कि केजीएफ चैप्टर 3 की किताब मिलती है, केजीएफ चैप्टर 3 फाइनल ड्राफ्ट। और ठीक है, तो केजीएफ चैप्टर 3 की किताब मिलती है उन लोगों को। एंड तो केजीएफ चैप्टर 3 में क्या होने वाला है ना, उसका स्पॉइलर अलर्ट आने वाला है अभी। तो अगर तुम लोग नहीं जानना चाहते केजीएफ चैप्टर 3 क्या होने वाला है, तो केजीएफ चैप्टर 3 की रिलीज डेट मैं बता दूं, वो है 2024। पर अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि केजीएफ चैप्टर, अभी ना जो डायरेक्टर है ना उसकी नई फिल्म आ रही है SLR प्रभास की। तो भाई मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ यार। तो केजीएफ चैप्टर 4 कि 3 की रिलीज डेट है 2024 के अंदर। एंड जो केजीएफ चैप्टर 3 है उसके अंदर हमें ये पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं, पहली कि उसमें पुष्पा आ सकती है क्योंकि पुष्पा और केजीएफ की टाइमलाइन बिल्कुल सेम है। दूसरा, उसमें प्रभास बाहुबली का एक्टर आ सकता है। तीसरा, उसमें डायरेक्टर भी आ सकता है मूवी का। और चौथा, या तो ये 3 रॉकी नहीं मरता और ये आगे की सीन्स, ये 3 अलग सीन्स हो सकते हैं। और एक सीन कि जो रॉकी ने इंटरनेशनली क्राइम मारते हैं, जैसा कि हमें मूवी के लास्ट में दिखाते हैं, तो सबसे ज़्यादा 70% पॉसिबिलिटीज इसकी है। तो हो सकता है कि ये करे, या फिर केजीएफ चैप्टर 3 का 2 का इतना क्रेज बढ़ चुका है कि वर्ल्ड वाइड बहस की टांट इसकी। एज यू नो आई एम हरियाणवी छोरा, मेरा अलग सेट हो रहा, मैं हरियाणवी बोलता रहूँगा, घर वालों को समझा देना यो बाड़क हरियाणवी बोलता है बोलेगा। तो या तो गाइस, जय भारत जय हरियाणा, इस वीडियो को बंद खत्म करते हैं यहाँ पे।